एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि रिमेम्बर के साथ इन्फिनिटिव और रिमेम्बर के साथ ज़ायरन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता है कि कब हमें इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना चाहिए और कब हमें ज़ायरन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कन्फ्यूजन को खत्म करते हैं। रिमेम्बर के साथ हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें कहना हो मुझे कोई काम करना याद है, यानी कोई काम है जो अभी हुआ नहीं है और जिसे करना मुझे याद है। जैसे मुझे फीस जमा करना याद है, मुझे पार्टी अटेंड करना याद है, मुझे अपना होमवर्क करना याद है, यानी ये सभी काम अभी हुआ नहीं है लेकिन ये सभी काम मुझे याद है जो मुझे करना है। लेकिन जब हम रिमेम्बर के साथ एक ज़ायरन का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई काम हो गया या कोई काम गुजर गया जो मुझे अभी तक याद है, यानी वह पुरानी बातें अभी तक मुझको याद है। लगता है आप समझे नहीं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मुझे फीस जमा करना याद है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई रिमेम्बर टू पे फी, यानी मुझे फीस जमा करना याद है। यहाँ मैंने रिमेम्बर के साथ बोला एक इन्फिनिटिव, इसलिए इस सेंटेंस का सेंस है कि फीस जमा करने का काम अभी हुआ नहीं है लेकिन मुझे याद है कि ये काम मुझे करना है। मुझे होमवर्क करना याद है, आई रिमेम्बर टू डू होमवर्क। यहाँ मैंने रिमेम्बर के साथ बोला एक इन्फिनिटिव, यानी टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोला, तो इस सेंटेंस का सेंस है कि होमवर्क करने का काम अभी हुआ नहीं है लेकिन मुझे याद है कि ये काम करना है। मुझे खाना पकाना याद है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई रिमेम्बर टू कुक फूड, यानी ये खाना पकाने का काम हुआ नहीं है लेकिन मुझे याद है कि ये काम करना है। आइए अब दूसरा कंसेप्ट समझें। अगर आपको कहना हो कि मुझे सीढ़ियों से गिरना याद है, यानी गुजरे हुए टाइम में मैं एक बार सीढ़ियों से गिर गया था जो अभी तक मुझे याद है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई रिमेम्बर फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर्स, यानी मुझे सीढ़ियों से गिरना याद है। मैंने यहाँ रिमेम्बर के बाद बोला एक ज़ायरंड, इसीलिए इस सेंटेंस का सेंस है ये गुजरा हुआ काम मुझे अभी तक याद है, मुझे उससे मुलाकात याद है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई रिमेम्बर मीटिंग हर, यानी गुजरे हुए टाइम में जब मैंने उससे मिला तो वो मुलाकात मुझे अभी तक याद है। अगर आपको कहना हो मुझे सर से किए झूठे बहाने याद है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई रिमेम्बर मेकिंग अ फॉल्स एक्सक्यूज टू सर, यानी मुझे सर से किए झूठे बहाने याद है। यहाँ मैंने रिमेम्बर के बाद एक ज़ायरन का इस्तेमाल किया, इसीलिए इस सेंटेंस का सेंस है कि यह काम पास्ट में गुजर गया जो अभी तक मुझको याद है, मुझे उसे पीटना याद है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई रिमेम्बर बीटिंग हर, यानी गुजरे हुए टाइम में मैंने उसकी पिटाई किया था जो अभी तक मुझे याद है कि मैंने उसको कैसे पीटा था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि रिमेम्बर के साथ इन्फिनिटिव और रिमेम्बर के साथ ज़ायरन का इस्तेमाल किस सेंस में करना है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।